हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शैव अशोक स्टेट में। मैं हूँ शैव अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अशोक फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट व्रत वाली कढ़ी पकौड़ा और राइस की रेसिपी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको लगे कि वीडियो सब्सक्राइब करने लायक है, चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ों के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक धामा लिया है, एक बाउल लिया है मैंने। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा सिंगाड़े का आटा 2 टेबल स्पून और साथ में हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून कर्ड। हल्का सा मैं यहाँ पर ग्रीन चिली, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली डाल दूँगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर जिंजर ऐड कर लूँगा, जिंजर को बारीक कूट लिया था। साथ में यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच हम सेंधा नमक डाल देंगे। पकौड़ों में डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चा आलू लिया, पहले उसे छील दिया, फिर अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आलू को छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। वर्बली आप कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा रहेगा उतना पकौड़ों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आलू को अच्छे से पहले हम छोटा छोटा सा कट कर लेते हैं। बस देख सकते हैं आप, मैंने सारे आलू को बढ़िया सा बारीक कट कर लिया। चलिए अब हम बैटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं और चम्मच की सहायता से इन सबको इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया सा मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि बैटर हल्का सा टाइट है तो इसके अंदर थोड़े से पानी के छींटे दे सकते हैं आप। चलिए अब चलते हैं कढ़ी का गोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने कर्ड लिया है। दोस्तों, कढ़ी के गोल के लिए कर्ड अगर आप थोड़ा खट्टा वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कढ़ी हमारी थोड़ी खट्टी बनेगी। साथ में यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड कर लेता हूँ। तो पानी हम 1/2 कप ऐड करेंगे, 1/2 कप मैंने कर लिया था, साथ में 1/2 कप पानी डाल देंगे और सिंगाड़े का आटा डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। इन सब को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप सिंगाड़े के आटे की जगह कुट्टू का आटा ले सकते हैं या राजगिरी का आटा भी ले सकते हैं। कर डालने के बाद में इन सिंगाड़े का आटा डालकर मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके अंदर लम्स नहीं बंधेंगे। चलिए बढ़िया सा मैंने इसे मिक्स कर दिया, गोल हमारा बन के तैयार है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने पहले से ऑयल गरम करके रखा था, तो इसके अंदर हम पकौड़ा निकाल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी के छींटे दे दिए थे गोल के अंदर, तो गोल हमारा सॉफ्ट हो गया था। बस आराम से छोटे छोटे से चम्मच की सहायता से इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर। 2 से 2.5 मिनट के अंदर पकौड़े हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। बस देख सकते हैं आप, इनके पकौड़ों का कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब चलिए एक जारे से मैं इन्हें निकाल लेता हूँ। बस बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट वाले पकौड़े हमारे व्रत वाले तैयार, एक प्लेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर हम राइस बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक कुकर पर गैस के ऊपर चढ़ा लिया और इसमें 1 टीस्पून जितना मैंने घी ऐड कर लिया। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर लूँगा थोड़ा सा। जीरे को पहले हम तड़कने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे सावा। दोस्तों, सावा यहाँ पर मैंने 1/2 कप लिया था, इसे मैंने 10 मिनट पहले पानी के अंदर भिजो के रख दिया। बस 10 मिनट होने के बाद मैं पानी निकाल कर, हमने पानी सारा निकाल दिया और उसके बाद में सावा इसमें ऐड कर लेते हैं। एक बार हम बर्बले हिला लेंगे ताकि जीरा और सावा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ, यहाँ पर हमें 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक भी ऐड करना है इसके अंदर। चलिए अब मैं पानी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। तो पानी हम कितना लेंगे, 1 कप पानी लेंगे। दोस्तों, अगर आप 1/2 कप ले रहे हैं तो आपको 1 कप पानी डालना होगा। अगर 1/2 जितना लेंगे उसका डबल हमें पानी डालना है। चलिए एक बार वर्बली मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब कुकर को कवर कर लेते हैं, 1 सीटी आने तक हम इंतज़ार करते हैं। चलिए कुकर में सीटी आ चुकी है, तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और कुकर को एक साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। साथ में अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर एक पैन मैंने गैस के ऊपर चढ़ा लिया, मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर गैस चालू कर लेते हैं। जैसे ही पैन हमारा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर लूँगा। साथ में थोड़ी सी हम राई डाल देंगे। राई जैसे ही तड़कती है तो मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर लूँगा और कड़ी पत्ते भी डाल लूँगा। इन सब को पहले थोड़ा सा अच्छे से सौते कर लेंगे। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं इनमें से, तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कढ़ी थोड़ी स्पाइसी बना रहे हैं तो मैंने 1 चम्मच ग्रीन चिली और ऐड कर लिया और साथ में थोड़ी सी जिंजर को कूट के डाल दिया, करीब 1 छोटा चम्मच जितनी। बस इन सब को पहले अच्छे से हम
मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे दोस्तों। इस तरह हल्दी ऐड करके बनाएंगे, इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए गोल को एक बार अच्छे से हिला लेते हैं ताकि सिंघाड़े का आटा जो भी नीचे बैठा होगा ना वो सारा मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद गोल हम कढ़ी के अंदर ऐड कर लेंगे। बस वर्बली मैं ऐसे हिला लूँगा और एक उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे ताकि सिंघाड़े का आटा कहीं नीचे लगे नहीं। बस इसके अंदर बढ़िया सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, साथ में आधा छोटा चम्मच हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। दोस्तों ब्लैक पेपर पाउडर अगर आप क्रश किया हुआ यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, उससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। चलिए इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 मिनट तक और उबालेंगे। गाइज अगर आपको लगता है कि आपकी कढ़ी थोड़ी सी थिक या थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है तो उसमें आप आधा कप पानी और ऐड कर सकते हैं। करीब 2 मिनट हो चुका है तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लेता हूँ और इसमें ऐड कर लेते हैं हम कोरिएंडर लीव। बस कोरिएंडर लीव ऐड कर कर बढ़िया सा इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे पकौड़े ऐड कर लेंगे। बस पकौड़े ऐड कर कर एक बार हिला लेंगे अच्छे से ना। कढ़ी हमारी बन के तैयार है। चलो इसे हम एक साइड में रख लेते हैं और राइस चेक कर लेते हैं। कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो चलिए राइस देख लेते हैं। राइस भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है, एक बार हिला के चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और एकदम खिले खिले से राइस बने हैं हमारे। देख सकते हैं आप वर्थ वाले हमारे राइस, कढ़ी और पकौड़ा तीनों बन के तैयार है, एकदम खिले हुए से राइस है। तो झटपट हम इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ी पकौड़ा एक बाउल में डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे, साथ में मैं राइस सर्व कर लूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कढ़ी पकौड़ा और राइस की रेसिपी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय।